नमस्कार दोस्तों, हमें दीपक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गरीब दीपक यूपी चैनल। दोस्तों, ये जनपद सजानपुर के तहसील तिलहर के जैतीपुर विकास खंड में एक थाना पड़ता है गड़िया रंगीन, वहाँ का एक ग्राम पंचायत पिपतरा। जहाँ देखिए, आप इधर आगे बढ़ के देखिए, ये देखिए पुल और ये रोड, ये लगभग गांव वाले बता रहे हैं लगभग कि ये 10-12 साल हुए जब से ये टूटा हुआ है। इसमें कई बार हादसे हो चुके हैं, क्योंकि लोग इधर दिखाइए जरा, सीधी आते हैं बिल्कुल पुल की तरफ से, गाड़ी वगैरह वो बिल्कुल सीधे स्पीड में आके यहाँ पे गिर जाती हैं। कई बार लोग गिर चुके हैं, मगर शासन प्रशासन कोई देख नहीं रहा है। ज़मीनी हकीकतें कोई नहीं दिखा रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, वो नगर विकास मंत्री हैं, इसी शाहजहानपुर ज़िले के हैं, मगर यहाँ का कोई ध्यान नहीं। इससे पहले जो सांसद एमपी हुआ करती थी माननीय श्रीमती कृष्णा राज, वो दिल्ली में केंद्र सरकार में मंत्री थी, मगर यहाँ का कोई विकास नहीं। यहाँ भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक, मतलब सभी लोग हैं, मगर यहाँ का कोई विकास नहीं। मैं गांव वाले से जानता हूँ, आप भैया अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजपाल। और ये बताइए, यहाँ कब से पुल टूटा हुआ है? 2010 से। और अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं करते हैं। अब बता रहे गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है जब पानी बड़ा होती है, जिसका कोई भाव आता है, बिल्कुल यहाँ पर कुंड है बहुत। यहाँ पर बता रहे हैं कि कई बार लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी भी जा गिरी है। कई बार हमने खुद निकाली इसमें के अंदर घुस के कई बार, मगर इसमें शासन प्रशासन कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि सब लोग अपने में लगे हुए हैं। जब वोट मांगने आते तब कहते हैं काम हो जाएगा या नहीं होगा, अभी हो जाएगा, अभी काम हो जाएगा, मगर उसके बाद में कोई यहाँ दिखाई नहीं देता, देखने भी नहीं आता है। और भाई देखिए, इधर दिखाइए, ये मतलब ये जो भट्टा के एक मालिक है, वहाँ से उन्होंने अपना रास्ता दिया, मगर उनकी मर्जी, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो तो उनकी मतलब जगह है, मगर शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि देखिए रोड बना है या नहीं बना है। देखिए पुल यहाँ से वहाँ तक भी टूटा हुआ है, 200 मीटर का पुल है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल। सब लोग आते हैं निकल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। मगर क्या कहूँ, यहाँ की सरकार को क्या कहूँ, यहाँ के जो सांसद जी हैं अरुण सागर जी, वो भी यहाँ आए हुए होंगे, मगर उन्होंने भी सारे लोग यहाँ बता रहे हैं कि सब लोग क्या कहते हैं, वायदे कर जाते हैं, मगर कोई वायदे कर जाते हैं लेकिन आते दोबारा नहीं आते हैं। और आप अपना नाम बता दीजिए भैया। नरेंद्र सिंह। और इस गाँव में क्या क्या समस्या है? और लाइट लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, 3 साल हो गए बिल्कुल, किसी का पंखा नहीं घूम रहा है, किसी का मोटर नहीं चल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे, लाइट बिल्कुल 3 सालों से यहाँ की लाइट की भी समस्या बहुत खराब है। पंखे अगर किसी को अगर आप लोग आ जाओ उसमें हवा नहीं आती है। और भाई देखिए, इसमें मतलब इस गांव में काफ़ी समस्या है, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहां की जनता बहुत ही परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है, अभी सांसद के वोट पड़े थे एमपी के, तब लोग आए थे, अब 2022 में इलेक्शन होने वाला है, तो आप बताइए आपको कौन अच्छा लगेगा, किसको जिताने की उम्मीद है, क्या प्रचार चल रहा है यहाँ? जो हमारा इसका निर्णय करेगा उसी को। भाई लोगों, यहाँ का कहना है कि जो इनका मतलब नेता लोग हो या मंत्री लोग हो, जो इनका पुल बंधवाएगा उसी को ये लोग वोट देंगे, मतलब इन लोगों का कहना है, क्योंकि इन्हें चौमास में जो पानी बरसात होती है काफ़ी समस्याओं का समाधान होता है। इसमें कई लोग मतलब दिवंगत हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और निकलने की जगह भी नहीं होती है। और इधर देखिए, काफ़ी लोग परेशान हैं। भैया आपका अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम राम। आपको यहाँ कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। और आप इधर देखिए इलाका, यहाँ पे बिल्कुल पानी ही पानी दिखता है दूर दूर तक, यहाँ पानी की कोई जगह नहीं होती है, और गाड़ी भी अधिकतर देखिए वो गाड़ी जा रही है, अगर ये रोड बना होता तो गाड़ी इधर से जाती, अब इस रोड पे पानी भर जाएगा तो गाड़ी कैसे निकलेगी, कोई रास्ता भी नहीं है। ये रास्ता मतलब गड़िया रंगीन से अब बीच में पिपतरा पड़ता है, जैतीपुर विकास खंड के लिए जोड़ता है, या तहसील तिलहर और मुख्यालय तक ये रोड जाता है, मगर क्या करूँ, यहाँ की जनता लोग आते हैं, ऊँचे ऊँचे वायदे करते हैं, मगर कोई सुनता नहीं है। देखिए इधर मतलब आप ये रोड से बिल्कुल सीधे आते हैं, बिल्कुल स्पीड में गाड़ी होगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, जरा इधर दिखा दीजिए ये रोड, बता रहे कितनी सालों से टूटा हुआ है पुल, बता दीजिए भैया। 2010 से ये टूटा हुआ है, मगर किसी को जमीनी हकीकत ये दिखाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि सच्चा जो सच्चा दिखाएगा, सच्चाई बोलेगा, उसे जेल डाल दिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई दिखाने वालों को हमेशा जेल में डाला जाता है, और जो ऐसे ही लोग कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं यहीं पर अपनी बाड़ी समाप्त करता हूँ, आप लोगों की कोई और कोई मांग है?
बिल्कुल यही बत्ती वाली दो चीज की है, बत्ती बिल्कुल नहीं है। और आपके गांव में पेंशने वगैरह बंदी हुई हैं? बंदी हुई है लोगों की बिल्कुल, मतलब जिनकी बंधने लायक वो बंधी हुई नहीं है और जिनकी बंधने है ना लायक उनकी बंधी हुई है। मतलब आपका कहना है कि आप पात्रों को पेंशन मिल रही है, पात्रों को नहीं मिल रही है। और आओ इसमें मतलब लोगों का कहना है कि सही से इसमें पेंशन देख भार के जांच करा के बनाई जाए। और बिल्कुल है कोई कायदा वाला है या नहीं कायदा वाला? अच्छा, ये मतलब सब अंधाधुंधी चल रही है बिल्कुल। और यहाँ आवास वगैरह को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला लोगों? अब आवास वगैरह क्या बताएं आपके लिए। और देखिए भाई इस गाँव का नजारा जरा इधर दिखा दीजिए, ये पानी पानी है चौमास में सब भर जाता है। और दोस्तों मैं अब अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ, सबसे विनम्र भाव से आप सभी लोगों का मेरे लिए नमस्कार।